हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी लेकिन तुम वहाँ पर थे ही नहीं, मुझे इंग्लिश सीखने की सख्त जरूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की सख्त जरूरत है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी काम को करने की सख्त जरूरत है, या नहीं तो वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, तो यहाँ पर किसकी जरूरत है, तुम्हारी, तो यहाँ पर क्या आया, प्रोनाउन आया। अगर सेंटेंस हम ऐसे बोलते मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो किसकी जरूरत है, पैसों की, तो मनी, या तो वो नाउन हो सकता है, नाउन की जरूरत हो सकता है, यानी तो प्रोनाउन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वर्ब भी आ सकता है, एक्शन वर्ड आ सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा ईजीएमआर, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलिएगा तो वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा, गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इन डायर नीड ऑफ। इन डायर नीड ऑफ का मतलब होता है कि सख्त जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है, इन डायर नीड ऑफ। उसके बाद हम लोग लगाएंगे, अगर नाउन रहेगा तो नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन लगाएंगे, अगर दोनों रहेगा तो भी लगा देंगे, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी लगा सकते हैं, या नहीं तो अगर एक्शन वर्ड आएगा, कोई काम आएगा, तो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ेगा, बिफोर को लिखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, या मुझे पैसों की बहुत बहुत जरूरत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा I am in dire need of money. Next sentence, आपको आराम की सख्त जरूरत है। तो इस संदेश के लिए आप क्या कहिएगा? You are in dire need of taking rest. You are को मिला भी सकते हैं। You're in dire need of taking rest. Next sentence, गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है। तो इस संदेश के लिए आप कहिएगा The poor are in dire need of food. नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ने की सख्त जरूरत है। तो इस संदेश के लिए आप कहिएगा चिल्ड्रन आर इन डायर नीड ऑफ स्टडिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे डॉक्टर से मिलने की सख्त जरूरत है। तो इस संदेश के लिए आप क्या कहिएगा? ही इज इन डायर नीड ऑफ कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर से मिलना, इसके लिए हम लोग कंसल्ट वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत थी। तो इस संदेश के लिए आप कहिएगा आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। यह सेंटेंस पास्ट का था। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल उसे बाइक का सख्त जरूरत था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। तो इस संदेश के लिए आप कहिएगा Yesterday he was in dire need of a bike, that's why I gave him। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे संदेशेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं वह छुट्टी पर है, या वह छुट्टी पे है, मैं अभी छुट्टी पर हूँ, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता, क्या कल तुम छुट्टी पर थे, मैंने तुम्हें कल देखा नहीं, क्या आज वो छुट्टी पर है, तो मुझे भी जाना होगा घर। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। इसमें सेंटेंस को हम लोग एडप्ट कर सकते हैं और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक। यदि आप संडेस पास्ट में बोल रहे हैं तो वॉज या वर में से कोई एक आएगा। हम लोग एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको पता है किसके साथ क्या लगेगा। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लाएंगे ऑन अ लीव। ऑन अ लीव का मतलब होता है छुट्टी पर होना। उसके बाद अदर वर्ड्स लगा देंगे। यदि आप उसके बाद और संडेस बोलना चाहते हैं तो संडेस लगा सकते हैं, वो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल उसका भी दे दूंगा लॉन्ग सेंटेंसेस का। यदि आपका सेंटेंस जवाब हो, मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव का हो, तो क्या कीजिएगा? आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को आगे ले आना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम, गॉट इट।
अगर नेगेटिव करेगा तो नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, मीन्स इज एम आर के बाद वॉज वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, वह छुट्टी पर है या वो छुट्टी पे है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही इज ऑन अ लीव, ही इज ऑन अ लीव, यानी तो ही इज को मिला सकते हैं, तो हो जाएगा ही इज ऑन अ लीव। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी छुट्टी पर हूं तो मैं वहां नहीं आ सकता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम ऑन अ लीव सो आई कांट कम देयर, आई एम ऑन अ लीव सो आई कांट कम देयर। अब यहां पर देखिए ऑन अ लीव, यदि आप चाहे तो अ को स्किप भी कर सकते हैं, ऑन लीव भी कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, बट ऑन अ लीव एक फ्रेज है जिसका जो है मतलब होता है छुट्टी पे होना। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या कल तुम छुट्टी पर थे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वर यू ऑन अ लीव यस्टरडे, वर यू ऑन अ लीव यस्टरडे, मैंने तुम्हें देखा नहीं, आई डिडेंट सी यू, आई डिडेंट सी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आज वो छुट्टी पर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इज सी ऑन अ लीव टूडे, इज सी ऑन अ लीव टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ वो आज छुट्टी पे है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यस सी इज ऑन अ लीव टूडे, यस सी इज ऑन अ लीव टूडे। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।